ऐसे करके डार्क एरियाज जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ मुझे डार्क नाइट नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इन जगहों को पूरा का पूरा, अब बाकी जगहों पर हल्का हल्का मैं लाइट कर दिया, ठीक, लाइट लाइट वाइट वाइट, हाँ देखो ये जगह यहाँ पे भी हल्का हल्का कर दिया ये ब्राइट, ओके बच्चा। अब हम करेंगे येल्लो कलर, निकालो येल्लो कलर, ये रहा देखो येल्लो कलर को मैं यहाँ फिल करूँगा ना, तो ऑटोमेटिक ये ऑरेंज कलर हो जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो होने लगा, बोलो बोलो, हो गया हो गया, काफी रियलिस्टिक टोन आएगा बच्चों। ये देखो आया, कैसा लग रहा है? अब ये देखो, अब हल्का सा, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने रेड किया था पहले, वहाँ वहाँ हल्का हल्का ऑरेंज हम चला देंगे अपने आप। ये देखो थोड़ा सा डार्कनेस के लिए, ये छोटी देखो बच्चा, और यहाँ यहाँ हमने स्ट्रोक्स चढ़ा दिए। तुम कहाँ देख रही हो? ये देखो अब येल्लो का इफेक्ट भी चढ़ गया हमारे इसमें, और ऑरेंज का ऑरेंज भी आ गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, रेड हमारा पीछे इफेक्ट दिया है उसने, वो ऑरेंज बन गया ना। एक बात बताओ, येल्लो और रेड मिलके कौन सा कलर बनते हैं? तो फिर जस्ट यूज योर माइंड एंड डू योर वर्क। नाम क्या है आपका? किस स्कूल में हो? सेम क्लास। सेम क्लास, ओके। दोनों लड़ते हो, प्यार से रहते हो क्लास में? कौन किसको मारता है? ये मारती। दोनों एक दूसरे का नाम लगा रहे हो मतलब दोनों लड़ाकू हो। सर ये पेंसिल के। इग्नोर। मैंने लिया है डार्क ग्रीन, और डार्क ग्रीन को जहां जहां मैंने कट मारे हैं, देखो इधर ध्यान से देखना दोनों, यहां मैंने इस लाइन पे किया हल्का सा कलर, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं इस कट पर, फिर किया यहाँ पर, फिर किया यहाँ पर, देखो थोड़ा सा इफेक्ट किया बस, सॉरी बाहर निकल गया वो, पर इग्नोर करेंगे, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं जीवन में जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, अब मैं बाउंड्री पे कर रहा हूँ हल्का हल्का कलर, क्योंकि बाउंड्री करूँगा तो फिर वो ज़मीन से निकल करके बाहर आएगी, ठीक है। और इस तरीके से करके किया मैंने, अब ये देखो पूरी बाउंड्री हो गई। अब इस बाउंड्री को यहाँ हल्का हल्का ब्लर कर दूंगा मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाउंड्री में ये लाइन्स ही नज़र आ रही है, पूरा बॉक्स टाइप में जो बनकर आ रहा है। अगर मैं यहाँ करूँगा, पहले इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो ये मिक्स हो जाएगा आपस में। ये देखो इसका बॉक्स ख़त्म हो गया, देखो अब बॉक्स नहीं लग रहा ना, ये अब पूरा का पूरा ये बेस लग रहा है। यहाँ पर भी बॉक्स ख़त्म कर देंगे हम इस तरीके से करके, ये देखो, और यहाँ पर भी अब 3D कर देंगे। देखो अब करेंगे येल्लो कलर, हम येल्लो कलर को यहाँ पर पूरा फिल कर दिया, देखो थोड़ा 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 थोड़ा, अब देखना इफेक्ट कितना अच्छा आ जाएगा इसके अंदर। देखो ध्यान दो, उधर मत करो, पहले पहले इधर देखो, ये कर दिया बच्चा, अब ये लाइट ग्रीन बन गया। और देखो जहाँ जहाँ पे मैं डार्क ग्रीन चलाया वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल 3D इफेक्ट निकल करके आ रहा है इसमें। और देखो कितना 3D निकल करके आ रहा है, बहुत ईजी रहता है कलर करना, और ऑयल पिस्टल सबसे ज़्यादा ईजी है। देखो अब देखो, ऐसा नहीं है हर कलर ईजी है, जब हम काम करते हैं ना तो हमें हर चीज़ आसान लगने लगती है, और जब हमें ये देखो, ये देखो ऐसा कभी सीखा आपने कभी, कितना आसान था। अब तो सिंपल ऐसे बना देते हैं और ऑरेंज ग्रीन भी कर। पर आप सोचो वैसे अच्छा है, ये अच्छा है ये। और देखो
बिल्कुल 3D। देखो ये, देखो ये चीज़ है, कितना आसान था ना। थोड़े थोड़े लाइन्स मारो वहाँ, ये लाइन्स यही वाली, यही ऐसे हल्के, वेरी नाइस। ए वी ए नहीं बनाना हमें, वी बनाना एक तरीके से, ऐसा हाँ बस। डार्क थोड़ा चलाओ, घिसो जहाँ जहाँ डार्कनेस है, मेरे में जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ थोड़ा इसे घिसोगे तो वो डार्क हो जाएगा एरिया। हाँ तुमने पूरा मत ज़्यादा, अगर लाइट कलर को घिसते हैं ना तो पीछे वाला कलर दब जाता है। थोड़ा हाईलाइट बढ़ाओ उसकी डार्क कलर से। आप इतने में लाइट कर लो जब तक। मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ, देखो ऐसे किया, टच किया ही मैंने यहाँ पर, ठीक है। काम आप तो कर रहे हो, देखो ध्यान से, पहले यहाँ मैंने किया, जहाँ जहाँ डार्क एरिया था उसमें मैंने हल्का हल्का ब्लू कलर को टच कर दिया, ठीक है। ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ उन एरियाज को निकालूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये निकाल दिया मैंने सब जगह पर। अब सुनो बच्चा, अब मैं इस कलर पर हल्का सा वाइट कलर का अप्लाई करूँगा। वाइट कलर पहले देख लूँगा मैं साफ़ है या नहीं, अगर साफ़ नहीं है तो पहले साफ़ करूँगा, क्योंकि पर्पल वगैरह कलर लगे हुए हैं, वो कलर पूरे इसमें चिपक जाएंगे। ए इसको पीछे से छीलो 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 छीलो, थोड़ा सा छीलो दोनों मिलके। ज़्यादा मत छीलो मन टूट के हाथ में आ जाएगा ये। बस अब क्या करेंगे, जो एरिया है देखो, जिससे मैं इस जगह पर, मैं देखो अब इसको रियलिस्टिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हल्का हल्का मैंने इसको मिक्स कर दिया बच्चा, ये किया, ठीक है। और अब यहाँ मैं इस तरीके से कर दूँगा जो आपने ब्लू किया था। हाँ मैंने ब्लू किया, उस कलर को मैंने वाइट कलर से दबा दिया, लेकिन वो बैकग्राउंड में टच रह गया तो उससे वो 3D लगेगा, देखना आप। ये किया, ठीक है, यहाँ हल्का सा और यहाँ हल्का सा मैंने कर दिया। अब ये देखो कैसा लग रहा है, निकल करके आया थोड़ा सा, नहीं ना, नहीं आया, नहीं लग रहा आपको। अब ये देखो 3D और लगेगा। अब इसमें क्या करोगे फिर? रिलैक्स मुन्ना, पूरा ब्लू कर दिया, इतना अच्छा लग रहा है। अब ये देखो आ गया 3D में, देखो कितना निकल के आ रहा है कैमरे में, तो बिल्कुल लग रहा है, देखो 3D। और अब अंदर वाले की आपको पता ही है, लेकिन अंदर वाले में अगर आप ये वाला कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं तो अपना डार्क ब्लू कर सकता हूँ लेकिन उसमें फिनिशिंग से लाइन्स नहीं आ पाते ना 24, तो हम पेंसिल कलर का अप्लाई कर सकते हैं। आप डार्क ब्लू कलर की पेंसिल कलर लेके आओ, जल्दी जाओ, उठो। है अपने पास डार्क ब्लू कलर? डार्क ब्लू, हाँ देखो, जब तक आप ये करो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जो इस जगह पे मैं डार्क ब्लू कलर का अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो डार्क ब्लू डार्क ब्लू डार्क ब्लू डार्क ब्लू डार्क ब्लू, यहाँ पे भी जो पॉइंट, ये कट, ये कट, ये कट, कितने काउंटिंग में करते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24। अब देखो कहीं किसी के ऊपर मैं चढ़ा भी दिया ऐसे ही, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपना काम पूरा किया है, मुझे इससे क्या मतलब कुछ देखे ना देखे। आपको पता है कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन हमें ऊपर वाला तो देख रहा है, भगवान जी देख रहे हैं, उसी तरीके से फ्लैग तो देख रहा है ना हमें, फ्लैग इमेजिनेशन। कभी कभी आपने देखा होगा कार्टून में क्या होता है, एक कुछ कार्टून्स पहले भी चले थे जिसमें कार बोलती हैं, किसी किसी में कार्टून्स बोलते हैं, खुद ब खुद पेड़ बोलता है, ट्री बोलते हैं, तो वो क्या है, वो सब इमेजिनेशन है। हमको लगता है कोई चीज़ बात नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम उसमें जान डाल देंगे ना तो वो भी बोलने लगेगी, जस्ट लाइक अ मैजिशियन। कुछ लोग कुछ कभी कभी मैजिक शो में आपने देखा होगा जो रस्सी होती है खुद ब खुद उठने लगती है, नाक की तरह ऐसे नाचने लगती है, देखा है, तो वही चीज़ है। हमें बस इमेजिन करना है किसी कुछ चीज़ों को, वो चीज़ हमारे सामने हो जाती है। बच्चा पर्शियन ब्लू कलर का टच करना था ना थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं कर लेना। अब तो आप क्या करते हो, पूरा लाइट कलर को एकदम घिस देते हो तो वो कलर दब जाता है, मेरे में देखो खिल के आ रहा है पूरा का पूरा। काम कर रहे हो ना, करो करते रहो, इतनी देर में आपकी पूरी वीडियो बन गई हम लोगों की। फिर ब्राउन, हाँ पहले ऐसे ब्लैक चलाओ, गुड गुड, जैसे मैंने किया, वेरी नाइस, सीधी लाइन। उसके बाद अब ये यहाँ ऐसे, ये देखो मैंने ये चला दिया, ठीक है बच्चा। ये सभी हमने गोला बना दिया है, ऐसे करके करना है बच्चा। हाँ अगर आपको गोला भी बनाना होता है, देखो इधर देखो, हमेशा डार्क कलर अप्लाई होता है। देखो अब मैंने यहाँ पे एक मैं ये कर दिया मैंने, ठीक है बच्चा। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का गोला बना देता हूँ, देखो जरा देखना ध्यान से, अब ये गोला 3D में होने लगेगा, देखो 3D में हो गया, ठीक है। अब नीचे की तरफ मुझे क्या करना है, हल्का सा, बस हल्का सा डार्क कलर को अप्लाई करूँगा। हाथ में लेके बैठी हूँ देवी, देखो ये देखो, ठीक है हो गया अप्लाई। अब बच्चों बताओ कैसा लग रहा है, अब 3D लगने लगा, बहुत आसान है 3D काम करना, बस हमें लगता मुश्किल है। अब ये देखो ये इसको कैसे करेंगे, क्या है हमने ये ब्लू कलर यहाँ पे किया, क्योंकि ब्लू वायर होती डोरी होती है ही, ये देखो अब हम इसके ऊपर वाइट कलर लगा देंगे, फिर और रियलिस्टिक लगेगा, टन टा, ये देखो निकल के आने लगी ये भी, और एक नहीं बच्चा दो होती हैं ये, एक यहाँ की होती है, ये धागा होता है यहाँ बंधा हुआ होता है, और एक यहाँ पर रहता है ये थोड़ा सा, ठीक है ये आ गया, अब ये थोड़ा सा हो गया, अब इसे कर दिया, कितने कोई बात नहीं, गलतियों से सीखने को मिलता है। अब तो याद हो गया ना किस तरीके से फ्लैग बनता है, अब आप लोग मेरे पीछे बना पाओगे पक्का, आवाज़ नहीं आ रही, गुड। अब दिखाओ अपना, हाँ 3D तो लग रहा है आप लोगों का, आपका भी बच्चा, आपकी मिक्सिंग नहीं हुई है, ये कलर इसमें मिक्स नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे येलो कलर थोड़ा चढ़ाना होगा आपको हल्का सा, फिर ये मिक्स हो जाएगा मेरे की तरह। आप चाहें तो और फिनिशिंग से काम कर सकते हैं, देखो अब चलो दोनों बाय बाय कहो, मजा आया काम करके, सबको बोलो जय हिंद ऐसे करके मेरी तरह, राइट हैंड से करते हैं, इन्होंने भी उल्टे, राइट से करो, गुड।